हाई ब्यूटिफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस्टेरो हिंदी उर्दू, और ये है आपके लिए आपके नेक्स्ट 30 डेज कैसे होने वाले हैं फ्रेंड्स फॉर अर्थ साइंस कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज क्या होगा लव वर्क और करियर में। सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस्टेरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए फ्रेंड्स विजिट आवर वेबसाइट www.magicwedstero.com। और अगर आप कोशिश कर रहे हो अभी बुक कराने की तो फ्रेंड्स करंटली तो मैं सोल्ड आउट हूँ, पर आप मुझे मैसेज कर लो, आई विल रिप्लाई बैक। सो ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हो, और जनरल है सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट। सो लेट अस सी फ्रेंड्स कैसे रहेंगे नेक्स्ट 30 डेज हमारे अर्थ साइंस के लिए, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस के लिए। चलिए देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी अरेंज द डेक्स। ओके, सो लेट अस सी पहले थीम क्या रहने वाला है अर्थ साइंस आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। थीम फॉर अर्थ साइंस, वाओ, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कोई एयर साइन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए अर्थ साइंस। ओ माय गॉड, द टावर एंड द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स अर्थ साइंस। सो आई फील नेक्स्ट, सो फ्रेंड्स द बनी हैड अ फॉल, माई गॉड इट्स बैक सेफली, थैंकफुली दे आर मेड ऑफ सॉफ्ट सो नथिंग हैपन्स टू दैम। सो फ्रेंड्स ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 30 डेज जो है काफ़ी शॉकिंग और सरप्राइजिंग होने वाले हैं। कुछ डेवलपमेंट्स हो सकते हैं ऐसे जो आपने सडन हो सकते हैं, एक्सपेक्ट नहीं करे होंगे। ऑल्सो जो आपने बनी फॉल होते देखा है जो बियर फॉल हुआ वो भी ऐसा था जैसे यू नो अनएक्सपेक्टेड, यू मे फॉल अनएक्सपेक्टेडली इन लव विद समबडी, या अनएक्सपेक्टेडली एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, या यू मे टेक सर्टेन रिस्क इन लाइफ। आई ऑल्सो फील अर्थ साइंस आपको किसी चीज़ की चिंता है उसमें आपको ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। अभी आप किसी चीज़ को लेके परेशान हो फ्रेंड्स, सम एंजाइटी इज हैपनिंग फॉर यू, यू नो लाइक सारे कार्ड ऐसे ही आ रहे हैं फ्रेंड्स आपके, यू नो एट ऑफ वॉन्स, यस, गेटिंग ऑन टूवर्ड्स एक्शन, यू नो यू आर गोइंग टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ फ्रेंड्स। आप अभी, मेरे को ऐसा लग रहा है अर्थ साइंस आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं राइट नाउ, चिंता है, हेल्थ इशूज़ हैं या मनी इशूज़ हैं, लेकिन नेक्स्ट 30 डेज में आप उनसे रिकवरी शो करोगे। कुछ सडन आइडियाज़ आपको आ सकते हैं, या सडनली ऐसा हो सकता है कि कोई आइडिया या कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए जो आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज कर देगी। स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, स्पिरिचुअल हो सकते हैं नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए, बिग चेंजेस, बिग ब्रेक थ्रूज हो सकते हैं, कम्युनिकेशन, न्यूज़ जिसका आपको इंतज़ार है वो आ सकती है अर्थ साइंस। आई ऑल्सो फील कि जिन चीज़ों को आप ओवरकम नहीं कर पा रहे थे उनमें आपको विक्ट्री मिलेगी, सो इट इज़ ऑल अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। आई ऑल्सो फील नेक्स्ट 30 डेज अगर आप कुछ चीज़ छोड़ना चाह रहे हो, कोई हैबिट क्विट करना चाह रहे हो, या कोई मूव या ट्रांसलोकेशन या शिफ्ट करना चाह रहे हो, तो नेक्स्ट 30 डेज काफ़ी अच्छे रहेंगे। बिकॉज क्विटिंग, यू नो, किसी बुरी आदत को गिव अप करना है, चाहे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है या कोई स्मोकिंग को क्विट करना है, तो वो उसके लिए बहुत अच्छे हैं नेक्स्ट 30 डेज, या जैसे वेट लूज़ करना है सो उसके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। सो सडन आपको तैयार रहना पड़ेगा, सम सडन चेंजेस में हैपन इन योर लाइफ, सडन न्यूज़ मैसेजेस, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आपको। आई फील जैसे आपके पास बहुत सालों से जॉब नहीं था अर्थ साइन, तो आने वाले 30 डेज में आपको जॉब मिल सकता है, या ऐसे न्यूज़ आ सकती है कि अरे वहाँ इंटरव्यू है, यहाँ इंटरव्यू है, यू नीड टू अप्लाई। सो आपको जल्दी 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 डिसीजंस लेने पड़ेंगे अर्थ साइन। सो यस, लेट्स सी व्हाट एल्स विल हैपन इन योर लव लाइफ अर्थ साइन। Knight of Pentacles, Five of Wands, The Chariot, Justice, Karma, oh my God, big energies earth signs, आपके लिए बहुत ही strong energies आ रही है earth signs। I feel yes, आपकी love life काफ़ी slow चल रही है, कुछ खास हो नहीं रहा है, या जो भी है मतलब थोड़ा सा slow एक energy में है, but I feel it is going to change because मुझे ऐसा लग रहा है अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है आपकी लाइफ में, लव लाइफ में, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो अर्थ साइंस जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है आपका, तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आप किसी से लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आई ऑल्सो फील कि अगर आपका कोई ऐसा रिश्ता है जैसे किसी से आप नो कॉन्टैक्ट में हो, या आपके हस्बैंड वाइफ में बहुत लड़ाई हो रही है,
तो आई फील के आपको उससे ब्रेक मिलेगा, इन द सेंस के आप हो सकता है कहीं घूमने जाओ, दैट विल चेंज एंड ब्रिंग यू बोथ क्लोजर, या आप वापस जैसे आपके पर्सन आपको अनब्लॉक कर दिया, या आप उनकी सिटी में आ रहे हो, वो आपकी सिटी में आ रहे मिलने, तो प्रोग्रेस आपकी लव लाइफ में आएगी. जस्टिस, येस आई डू फील के कार्मिक रिलेशनशिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट 30 डेज. कुछ बैलेंसिंग आउट हो सकती है आपकी लव लाइफ में, या कुछ जैसे थर्ड पार्टीज़ अफेक्ट करी थी आपकी लव लाइफ को, तो वो आपको उनसे छुटकारा मिल सकता है, या कोई लीगल इश्यूज़ थे तो उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है. कार्मा, आई डू फील फ्रेंड्स, जिन लोगों ने आपको छोड़ा है वो आपको मिस करने वाले हैं, बिकॉज इट इज़ दी एनर्जी ऑफ कार्मा, कार्मिक रिलेशनशिप्स. और अगर आप वेट कर रहे हो प्यार लेके दिल में अपने, और आप सिंगल हो, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ न्यू लवर, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज पर्सन टू कम इनटू योर लाइफ. 7 of Cups आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज में लव लाइफ में चॉइसेस और डिसीजंस काफ़ी रहने वाले हैं. फ्रेंड्स, आपके पास काफ़ी चॉइसेस रहेंगी, सो टेक योर टाइम टू चूज. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी पर्सन इंपॉर्टेंट हैं. आई फील अपनी लव लाइफ में फ्रेंड्स, आप सिर्फ अपने लॉजिक और प्यार को ही ना यूज़ करो, ऑल्सो सी इन अ बैलेंस्ड, यू नो, टेक बैलेंस्ड डिसीजंस. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या अगेन कोई अर्थ साइन भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस. आई ऑल्सो फील फैमिली कुड ऑल्सो बी अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप्स, तो आपको उसमें भी रिलीफ मिलेगा, लाइक कुछ रिलीफ है. अगर आपके फाइनेंसेस, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अफेक्ट करी थी लव लाइफ को, या आपके पार्टनर की फाइनेंशियल सिचुएशन अफेक्ट करी थी, तो अर्थ साइंस आपको वहाँ से भी रिलीफ मिलने वाला है. सो इट इज़ द एनर्जी ऑफ रिलीफ एंड क्लैरिटी. 3 of Pentacles, येस, थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू फ्रेंड्स. बस आपको थोड़ा सब्र रखना है, एंड आई ऑल्सो फील कम्युनिकेशन आपको बराबर रखने हैं. वो आपके दिल में क्या है, आप कम्युनिकेट करते रहो अर्थ साइंस, थिंग्स विल गो वेल फॉर यू इन योर रिलेशनशिप्स. एंड लेट्स सी कि आपका वर्क और करियर कैसा रहने वाला है. फॉर अर्थ साइंस, वाओ, द स्टार की एनर्जी आई है फ्रेंड्स, द एम्प्रेस भी आ गई है यहाँ पे. एंड वाओ, आई डू फील आप अपने करियर को लेके बहुत चिंतित हो फ्रेंड्स. देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ डेस्परेशन जो आपके अंदर चल रहा है. आपको लग रहा है कि आपके करियर की होप नहीं है, या जैसे आप सोच रहे थे आपका करियर जाएगा वैसे जा नहीं रहा है. या अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको लग सकता है कि अरे हमारे एग्ज़ाम्स उतने अच्छे नहीं हुए जितने होने चाहिए थे, या हमारे पास तो सपोर्ट ही नहीं है, हमें तो कोई गाइड ही नहीं कर रहा है, कोई हमारे पास गाइडेंस नहीं है. आई फील फ्रेंड्स के ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो. आपको ऐसा लग सकता है कि आप अकेले हो, बट एक्चुअली आपके पास काफ़ी सपोर्ट है अगर आप हेल्प मांगो. इफ़ यू टेल एंड शेयर पीपल कि आपको क्या चाहिए, या कैसी हेल्प चाहिए, या कैसी गाइडेंस चाहिए, तो लोग आपकी हेल्प करने आएंगे. आई डू सी कि ऐसा हो सकता है. कोलाब्रेशंस काफ़ी अच्छी रहेंगी आपके लिए इस मंथ. आई ऑल्सो फील के जितना आप खुल के लोगों को बताओगे, कम्युनिकेट करोगे, उतना आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी. आई ऑल्सो फील इट इज़ टाइम टू, यू नो, आप अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट मत करो, अपनी वेल्थ वैल्यू पे डाउट मत करो, बिकॉज एम्प्रेस इज बिलीव इन योर सेल्फ, गो आफ्टर योर ड्रीम्स, टेक चार्ज, टेक अ रिस्क. हो सकता है आपको ऐसा लगे कि अगर आप अपना कोई सपना फॉलो करोगे तो आपको वो बहुत रिस्की लग सकता है, जैसे आपको मॉडलिंग करनी है, डांसिंग करनी है, या यू नो, आप आर्ट से हो और आपको मन कर रहा है साइंस पढ़ने का, तो यू मे फील लाइक ये तो बिल्कुल पागलपन है, लेकिन टेक सम एक्शन फॉर योर ड्रीम्स, आपको अच्छा लगेगा. ऑल्सो आपके पास हेल्प है, आपको कहना पड़ेगा, लेकिन लोगों को बताना पड़ेगा आपको कैसी हेल्प चाहिए, क्योंकि आप बताओगे तो लोग आपकी हेल्प कर पाएंगे. द स्टार, कोई ना कोई आपका करियर का या एजुकेशन का ड्रीम पूरा होगा, और आपको उससे बहुत अच्छा मिलेगा, अच्छा लगेगा और रिलीफ भी मिलेगा. सो इट इज़ गुड एनर्जी. बट एक चीज़ है कि आपको सब कुछ अकेले नहीं करना है. जैसे आपको मन करेगा आपका कि मैं सब कुछ अकेले कर लूँ, ओवर एम्बिशियस हो जाऊँ, या मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो जाऊँ, मैं सब कुछ अकेले कर लूँ, नहीं. देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो आपकी हेल्प कर सकते हैं. देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, जो आपको किसी ग्रुप में जाके पता चल सकती हैं, या अगर आप बताओगे तो लोग आपसे और ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे. फाइंड बैलेंस, काफ़ी बिजी रहने वाले हो आप नेक्स्ट 30 डेज, सो यू हैव टू फाइंड सर्टन बैलेंस इन योर लव एंड वर्क एंड करियर. आई ऑल्सो फील कि आप दिन रात एक करके, यू नो, आपको ऐसा लग सकता है कि आपके गोल्स में बहुत दूरी है, या आपको फाइनेंशियल जो रिचनेस चाहिए उसमें अभी भी काफ़ी दूर है आप.
आपके गोल से आप काफ़ी दूर हो, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, यू नो यू आर वेरी क्लोज टू वॉट यू वॉन्ट अचीव, सो डोंट वरी. लेट अस सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है अर्थ साइंस, एनी एडवाइस फॉर अर्थ साइंस. सी एग्जैक्टली मैं आपसे यही कह रही हूँ, एनी थिंग इज पॉसिबल, एवरी थिंग इज पॉसिबल अर्थ साइंस, सॉरी. सो एनी थिंग इज पॉसिबल फ्रेंड्स, सो चूज़ योर पाथ. बस आपको एक बार चूज़ करने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए, उसके बाद हर मुमकिन, हर मुश्किल चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी. सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल. आई होप ऐसा भी लग रहा है कि आप सब कुछ कंट्रोल करना चाह रहे हो, या आपको सब कुछ, आप बहुत एम्बिशियस हो रहे हो, आपको एक साथ ही सक्सेस चाहिए, तो थोड़ा सा आप यू नो लेट इट रिलैक्स, लाइक लेट यूनिवर्स हेल्प यू. आई थिंक आपके पास यू नो धीरे धीरे करके घड़ा भर ही जाता है. इट इज़ समथिंग लाइक आप एक दिन में भरना चाह रहे हो, सारे ड्रीम्स एक दिन में पूरे हो जाएं, तो एन्जाइटी हो सकती है. लेकिन अगर आप थोड़ा सा यूनिवर्स को टाइम दोगे, अरे आप अपने मर्जी से कर लो, मैं तो मुझे तो ये चाहिए, अब आप आ जाओ, तो देन इट विल हैपन मोर क्विकली एंड मोर इन अ सरप्राइजिंग वे. यू आर प्रोटेक्टेड बाय द एंजल्स. यस, आपके पास बहुत सारा डिवाइन सपोर्ट है, आपके पास बहुत सारा एंजल्स और यूनिवर्स आपको सपोर्ट करिए. आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स, इस मंथ या नेक्स्ट 30 डेज आपको कोई ना कोई मेंटर मिल सकते हैं, स्पिरिचुअल गाइड मिल सकते हैं, या कोई ऐसे पर्सन मिल सकते हैं जो आपके लिए एक एंजल की तरह होंगे और आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं वर्क में, लव में या करियर में. इन द फ्लो एवरीथिंग इज़ स्मूथ सेलिंग. आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए अर्थ साइन, सब कुछ अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होगा. बस कुछ ना कुछ यू नो स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू ज़रूर होंगे इस नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए. लेट्स सी. शार्क, टेक केयर और देर विल बी अ लॉस ऑफ मटीरियल वेल्थ. या आई डू फील आपको पैसे की चिंता है कि यू नो पैसे कब आएंगे, कितने आ रहे हैं, क्या है, थोड़ी सी पैसों की वरी है. यूनिकॉर्न, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस. आई डू फील आप इंपॉर्टेंट चेंजेस करोगे, या कोई आदत को क्विट करना, या अपने इंसोमेनिया को क्विट करना, जॉगिंग करना, एक हेल्दी रूटीन फॉलो करना, हेल्दी डाइट फॉलो करना, या यू नो जैसे बिकमिंग क्लोजर टू गॉड, ये सब भी आप करोगे, अपने इंट्यूशन के करीब आओगे आप. बेल अनाउंसमेंट, येस इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए. स्टार, गारंटीड सक्सेस, आपको सक्सेस डेफिनेट मिलेगा, यू डोंट हैव टू वरी. प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड. आई फील आप काफ़ी पुराने दोस्तों से भी मिल सकते हो, या अपने पुराने जो लवर्स, या जो काफ़ी लोगों से आप जिनसे मिले नहीं हो, यू मे गेट बैक टू देम अगेन, या वो वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में. Do not be tempted to lower your standards. Yeah, I do feel के हो सकता है you know temptations आएंगी, but you don't need to be tempted. एक women important है आपके लिए. And tulip, great passion. So ये बहुत ही passionate होने वाले हैं next 30 days earth signs आपके लिए. So enjoy, have fun and subscribe Magic Wednesday Hindi Urdu. Subscribe, like, share, join us on Instagram. This is Mystic C Singh. Bye bye.